फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट फूड्स के बारे में। अगर आप लोगों को बहुत दिन से शुगर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो भी इस वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोगों को डायबिटीज़ या शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो भी इस वीडियो देख सकते हो। जो 7 बेनी फूड्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, काफ़ी मदद होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को शुगर भी नहीं है तो भी इस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी आप लोग अगर आपका डाइट में शामिल करते हो तो आपका शुगर कंट्रोल में होगा, और अगर आपका शुगर नहीं है तो भविष्य में नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा और 7 बेस्ट फूड्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना है। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। नंबर 1 फ्रेंड्स, करेला। करेला को अगर आप लोग डाइट में शामिल करते हो या आप लोग खाते हो या लेते हो, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते पर या 2 हफ्ते पर 2-3 बार आप लोगों को करेला सब्जी को लेना चाहिए। करेला सब्जी एक बेस्ट बेहतर सब्जी माना जाता है। अगर आप लोगों को बहुत दिन से डायबिटीज़ या शुगर का प्रॉब्लम है तो करेला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर लेना चाहिए आप लोगों को करेला को। करेला एक बहुत ही बेस्ट सब्जियाँ माना जाता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो करेला को आप सब्जी बना के खा सकते हो या भाजी करके खा सकते हो, तो आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स, जामुन फल या जाम आप लोग पहचानते हो, जो इसको बहुत ही बेस्ट बेहतर एक फल माना जाता है। अगर आप लोगों को बहुत दिन से शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं हो रहा है या कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो आप डाइट में जामुन फल या जाम को आपको लेना चाहिए, तो बहुत ही आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, 100% श्योर है। तीसरा बात यही है फ्रेंड्स, कद्दू। आप लोग कद्दू को जान चुके हो और बहुत लोग इसको जानते हैं इसके बारे में, जो कद्दू के क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर आप लोगों को बहुत दिन से शुगर का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो आपका डाइट में ज़रूर कद्दू सब्जी को लेना चाहिए। कद्दू सब्जी आप लोगों को खाना चाहिए, महीना पर 1 महीने के अंदर 1 बार खाना चाहिए ज़रूर, या ज़्यादा खा सके तो आप लोग बहुत ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। चौथा बात फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा भिंडी एक बेहतर सब्जियां माना जाता है। अगर आप लोगों को बहुत दिन से डायबिटीज या शुगर का प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते पर 2 बार या 3 बार मेरे हिसाब से भिंडी या सब्जी आप लोगों को डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप लोगों को शुगर लेवल है बहुत ही ज़्यादा हो गए है या शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, तो आप भिंडी या सब्जी को डाइट में शामिल कर सकते हो, उसको खा सकते हो। और भाई यही है फ्रेंड्स, एप्पल बहुत लोग खाते हैं या बहुत लोग लेते हैं, लेकिन 60% लोगों को यही नहीं पता होता है कि एप्पल के अंदर क्या चीज होता है या क्या चीज पाया जाता है एप्पल के अंदर। एप्पल के अंदर विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो आपका हेल्थ के लिए, जो आपका शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही फायदा होगा, जो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका हेल्थ के लिए। नंबर 6, सिया सीड्स। आप लोगों को पता है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सिया सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही काम करेगा। नंबर 7, ओट्स। देखिए फ्रेंड्स, ओट्स लेने से आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। जो चीज आप लोगों को बताए हैं, अगर लगभग आप लोग 1 महीने तक यूज़ करोगे तो आप लोगों को बहुत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।